मिस्टर एमरे, आपकी कार काफी अच्छी है, अच्छी वैल्यू आएगी। आई होप कि जो इसकी वैल्यू कर सके वो है। आइए। थैंक यू हेल्पर। क्या तुमने सेल्स मैनेजर कैंडिडेट्स की सीवी देखे? मिस्टर एमरा, लेकिन मुझे हमारे लिए एक भी प्रॉपर कैंडिडेट नहीं लगा है। ये देखिए ना, यहाँ पर लिखे हैं, देखते हैं। हाँ हाँ, ये कार काफी अच्छी लग रही है। हाँ, यहाँ एक और है। और कुछ? हाँ? ये हो सकता है। हाँ अच्छा, ये भी नहीं, वो नहीं। हेलो। और ये भी? हेलो। क्या आप अपने लिए कार देख रहे हैं? हाँ, लेकिन हम अभी तक कोई डिसीजन नहीं ले पाए हैं। ये आपका बेटा है? हाँ, मेरा बेटा। सबसे ज्यादा बच्चे के लिए जरूरी क्या है? फर्स्ट सिक्योरिटी और दूसरा कंफर्ट। इस कार में दोनों है। ये देखिए, ये कितनी वाइड है, स्पेशियस भी है। मिस्टर एमरा, मैं जाकर देखता हूँ। रुक जाओ, हम कब से इस तरह की कार ढूंढ रहे थे, हम ऐसा ही कुछ लेना पसंद करेंगे। आपको ये अपॉर्चुनिटी खोनी नहीं चाहिए, काफी अच्छे प्राइस में मिल रही है। तुम क्या कहोगे बेटा? ये बहुत अच्छी है पापा। तुम्हें अच्छी लगी ना? चलो ठीक है, आपको हमारे सेल्स ऑफिस की टीम हेल्प करेगी। थैंक यू, मीट यू। अच्छी है ना बेटा? थैंक यू, मिलते हैं। हेलो, थैंक यू। उम्मीद है आप खुश रहे। हेलो सर, हम बाकी फॉर्मेलिटीज कर लेते हैं प्लीज। मैंने आप लोगों की बातचीत सुन ली है, अगर आप सेल्समैन ढूंढ रहे हैं तो मैं अप्लाई करना चाहूंगा। प्लीज गलत मत समझिए, पर आपके हाथों में जो घड़ी है वो हमारे एनुअल इनकम से भी ज्यादा है। मैं समझता हूँ, पर मुझे काम करना है और मेरे पास एक्सपीरियंस भी है। मुझे कार्स बहुत पसंद है। सुनो जीजे, पियो इसे आराम से। हाँ पियो इसे। वो लोग कहाँ हैं? जानो सनम। आराम से पियो, आराम से, आराम से। अच्छा अच्छा, ये हुआ कि वो तब यहाँ नहीं थे, उन्होंने नहीं देखा कि हमारे साथ क्या हुआ, और हमारे साथ जेल जाने की नौबत भी नहीं आई, वरना बहुत बुरा हो जाता, उन्हें कितना दुख होता पता है तुम्हें? बेचारे हमारे लिए बहुत ज्यादा अफसोस करते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो मुजफ्फर, वो सिर्फ 2 घंटों के लिए था। देखो ना, 2 घंटे में क्या हालत हो गई है इसकी। 2 घंटे में ऐसे कैसे बदल गए तुम? जी जी, अगर तुम बोल नहीं पा रहे हो तो प्लीज चुपचाप बैठ जाओ। तुम कितने अनोई नहीं रह सकते क्या? वो अभी भी शौक में है, दिख नहीं रहा। इसकी तबीयत और खराब हो गई तो हम क्या करेंगे? हाँ चलो जेजे, चलो जेजे, यहाँ से चलते हैं। आराम से उठो, मैं इसे अंदर छोड़ के आती हूँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ। हाँ ठीक है, वो खड़ा हो गया। ठीक है, ये तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम ध्यान नहीं दे सकते थे क्या? ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं बनती। तुम्हारे कैसे ध्यान में नहीं आया कि कोई 20,000 एक हफ्ते में कैसे खरीद सकता है, और वो अपना प्रोडक्ट समझ के बेच रहे थे, अब तुम क्या करोगे? माइंड योर वर्ड्स, हम सनम की परमिशन बेच रहे थे, समझी? इसलिए मैं तुम्हें इरिस्पॉन्सिबल कहती हूँ। सनम हर चीज के लिए अप्रूव करती है। सनम इस दुनिया की सबसे ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है। अगर तुम उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो कभी तुम्हें ना भी बोलना पड़ेगा। तुम उतने वक्त के लिए बुरे बन जाओगे, पर तुम उसे बाकी चीजों से प्रोटेक्ट भी तो कर पाओगे। तुम जैसा पहला बिजनेसमैन देखा है, क्या तुम कैपिटलिस्ट सिस्टम के बारे में नहीं जानते? यहाँ क्या हो रहा है? क्या ये कोई पंछी है? एक पंछी? ये सब ऐसे बिखरा हुआ क्यों है? क्या हुआ? और ये सब किया किसने? हाँ बैठ जाओ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तुम लोगों ने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? पर हानी, इतना अपसेट होने की जरूरत नहीं है। हानी, मैं ट्राई कर रही हूँ पर मैं शांत नहीं हो पा रही हूँ। मैं सच में बहुत ज्यादा अपसेट हूँ। वो लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप पर हमारे दोस्त, उनका उस शॉप में जाना भी प्रॉपर नहीं था, उन्होंने ऐसा क्यों किया समझ नहीं आता। अच्छा हुआ उन्होंने ऐसा किया, मैं होती तो मैं भी ऐसा ही करती थी। पर मेहरबान नहीं डियर, वो ऐसा डिजर्व करते हैं। उन्होंने सनम के प्रोडक्ट्स चुराए हैं और उन्हें शर्म भी नहीं आई। ऐसा कैसा कर सकते हैं, उनकी हिम्मत कैसे हुई? फिक्र मत करो डियर, इस बात को अब छोड़ दो, भूल जाओ इसको। हनी, आप नहीं जानते कि ऐसी छोटी जगहों पर तुम्हें स्ट्रांग रहना जरूरी है। अगर तुमने अपने अधिकारी को नजरअंदाज कर दिया तो वो लोग तुम्हें खा जाएंगे, और सबसे ज्यादा तब जब तुम एक महिला हो। और आप तो जानते हैं वो लोग ये सब बस उनके प्लेजर के लिए करते हैं। सच में छोड़िए, वो लोग मुझे नहीं जानते, पर उन्हें पता चलेगा मैं कौन हूँ। काश वो तुम्हें वैसा देख पाते जैसा मैं देखता हूँ,
वरना उन्हें भी तुम्हारे अंदर का प्यार और ममता नजर आती। तुम बहुत ही खूबसूरत लेडी हो, मैं ये झूठ मूठ नहीं कह रहा हूँ। अजीज, मुझे यकीन नहीं होता आप हमेशा हर चीज में अच्छाई कैसे ढूंढ लेते हैं। मैं हमेशा स्ट्रेस में होती हूँ और आप हमेशा प्यार से काम कर लेते हैं। ओ नहीं, मिसेस मेहरबान। मिस्टर अजीज, अब तुम इस टेस्टी कॉफी को पियो जो मैंने खास तुम्हारे लिए बनाई है। ये लो। क्या दे रहे हो आप? मैंने ये खास कॉफी तुम्हारे लिए बनाई है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे पियो और एंजॉय करो, क्योंकि तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लेडी हो जो कॉफी पीते हुए अच्छी लगती है, कम से कम मुझे तो। ये वाकई में अच्छी है। हम ऐसा कर सकते हैं कि वो कोर्ट जाने के लिए रेडी हो जाए, लेकिन खतरा अभी तक टला नहीं। ये कौन है? जेमाल एसिकोस। वो यहाँ से सस्ते में क्रीम खरीदते हैं और शहर में जाके 10 गुना भाव में बेचते हैं। उन्हें लगता है कि वो अपना ही प्रोडक्शन है। I'm really sorry, पर वो हमारा ब्रांड चुराने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम लेट हो गए हैं। अगर पहले ही हमारे पास पेटेंट राइट्स होते तो हम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते। हम अभी भी लेट नहीं हुए। ये क्रीम्स मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। सनम रुको, सनम, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। 20,000 क्रीम बेचने की क्या जरूरत थी? तुम्हें कोई गड़बड़ क्यों नहीं नजर आई? तुम बहुत इर्रेस्पॉन्सिबल हो। डार्लिंग, हेलो। आई मिस्ड यू सो मच। हाँ, सच में आई मिस्ड यू टू। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। नाराज मत होना, आप कोई और जॉब ढूंढ लीजिए। मैं पता है नहीं, मुझे जॉब मिल गई। कहाँ? सेल्स क्लर्क की। सेल्स क्लर्क? हाँ, और मैं मेरी कार बेच भी चुका हूँ। पर हनी, आपको वो कार कितनी पसंद थी? हाँ, पर तुमसे ज्यादा नहीं डालिंग। मैं कुछ समझी नहीं, क्या हुआ एग्जैक्टली? मुझे सब प्रॉपरली बताइए। मैं गैलरी गया था मेरी कार बेचने के लिए। वहाँ एक अच्छी ऑफर थी जो मैंने एक्सेप्ट कर ली। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। हाँ, वाओ। हाँ, अच्छी बात है। हाँ, ये तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। मैं बहुत तुम खुश हो तो हूं। बस मुझे और क्या चाहिए जिंदगी में। अब सब ठीक हो जाएगा। अब तुम्हें उस जगह काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी तुम्हें वो जॉब पसंद नहीं है ना डार्लिंग? हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। चलो ठीक है, चलो मैं टैक्सी बुलाता हूँ, हम खेत में चलते हैं अभी। टैक्सी क्यों, हम बस से जा सकते हैं ना। बस से जाना है? हाँ हनी, वहाँ बस स्टॉप है और वो काफी कम्फर्टेबल है, चलिए ना। देखिए उन्होंने क्या कर दिया, वो मुझसे मेरी क्रीम्स नहीं छीन सकते। नहीं, वो तुम्हारी क्रीम्स मुझसे नहीं छीन पाएंगे। वो काफी बदमाश लोग हैं। तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, कभी भी नहीं। पर अब तो मेरा क्रीम प्रोडक्शन बैन हो गया। क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है? ठीक है, तो फिर तुम यहीं रहो और तुम्हें जो करना है वो करो। तुम अपनी क्रीम्स बनाओ, बाकी मुझ पर छोड़ दो। ठीक है, ओके, सी यू। मिलते हैं। मैथिन, एक प्रॉब्लम है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। सुनो,
हेलो, कैसे हो बुलुत? यह गड़बड़ हो गई है, हमारे दोस्तों को अरेस्ट कर लिया था इन लीगल क्रीम प्रोडक्शन के जुर्म में। क्या सनम कहाँ है अभी, पता है? नहीं, सब लोग ठीक है, मैं उन्हें जेल से बाहर ला चुका हूँ। तुमने उसे बाहर लाया कैसे? शायद तुम भूल गए हो कि मैं लॉयर भी हूँ। बराबर है, ये करना तुम्हारे लिए बहुत ही आसान था, है ना? एनीवे, वो जेमाल हमारे पीछे पड़ा हुआ है, अब तो प्रोडक्शन भी बंद हो चुका है, क्या कर सकते हैं? मुझे लगा था कि तुमने लॉयर का करियर छोड़ दिया। सनम से पंगा लेना मतलब मुझसे पंगा लेना, उसे कुछ नहीं होने दूंगा, डोंट वरी। ठीक है रखता हूँ। सारा गड़बड़ हो गया। ये लीजिए डैड। अच्छा, क्या आप अभी भी मुझसे गुस्सा हैं? मैं जानता हूं शुरुआत में मुझे सब बताना चाहिए था, पर हिम्मत ही नहीं हुई। मैंने आपसे ये बात छिपाई, भाई से छिपाई। क्या आपने मुझे माफ किया? सुनो इमरी, अगर तुमने फिर से ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाला। आई बात समझ में? तुमने ये बात क्यों छुपाई मुझसे बेटा? जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, और हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं। हम एक फैमिली हैं, हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। वो कहानी थ्री मस्केटियर्स याद है? क्या था उसमें? वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। सही कहा। एमरे, क्या तुम इस नई जॉब को लेकर श्योर हो? कोर्स बेचना, ये तुम्हें सूट नहीं करता। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे लिए और अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। क्या कहते हो डैड, है ना? जरूर जरूर। नहीं 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 नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद का ख्याल खुद रख सकता हूँ, आप लोग फिक्र मत कीजिए। आई प्रॉमिस, आई एम टोटली फाइन। प्रॉमिस, ठीक है। वैसे मैं भी अपनी बोर्ड बेच चुका हूँ, अब मेरे पास कुछ पैसे हैं। हमने हमारा घर खो दिया एजेंसी की वजह से, पर प्लीज हमने तुम्हारे और लैला के लिए कुछ करना चाहिए। हम तुम्हारे लिए घर ढूंढते हैं, एजेंसी में जो कुछ भी हुआ इसमें कहीं ना कहीं मेरी गलती है, तो मैं माफी चाहता हूँ। अब जान हमारे लिए हाथ में तलवार लेकर फाइट करने के लिए रेडी है। अब मुझे यकीन है कि तुम दुश्मनों का खात्मा करके रहोगे। मेरे बच्चों, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ अच्छा है, जो मुझे चाहिए था मिल गया। अब मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों खुश रहो, कामयाब बनो, बस इतनी ही ख्वाहिश है, और क्या चाहूँ। देखो भाई, जो कुछ भी हुआ है उसके लिए तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब सब वही करेंगे जो उन्हें करना होगा। You don't worry, okay? Okay, मैं समझ सकता हूँ कि अब तुम खुद की जिंदगी खुद जीना चाहते हो, पर मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प करूंगा। हाँ, वही, जहां तक तुम एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, कोई भी तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर सकता। क्या तुम समझ रहे हो? बस अब बहुत हुआ, अब इस बिजनेस टॉक को यही खत्म करते हैं, और मैं चलता हूँ। मेरी प्रिंसेस मेरी राह देख रही होगी। मैं कैसा लग रहा हूँ, ठीक हो ना? बहुत ज्यादा सुपर, एकदम हीरो लग रहे हैं। शुक्रिया, सी यू। परपा परपा पम 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 परपा परपा पम 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 पा। सनम, यहाँ आओ, आप तुम इसे शेव दो। हाँ, मैं आ रही हूँ। आ जाओ। तुम ये कलर्ड कुकीज क्यों बना रही हो, इसकी क्या वजह है बताओ? मुझे कुछ नहीं पता, सनम ऐसा चाहती थी। गुड, आज वो खुश लग रही है काफी। नहीं, मेरा मतलब कुकीज को डेकोरेट करो, फिर तुम भी एमरे के लिए ले जा सकती हो। ओके, क्या मैं भी इसे डेकोरेट करूं ताकि मैं मुजो जे जे बुलुत को दे पाऊं? अच्छी बात है ना, हमने एक कुकीज। हाँ, मैं दिल का शेप देती हूँ। क्या क्या हो गया? वो ब्लू है। ओके एमरे, मैं तुम्हारे लिए कॉकटेल बना चुका हूँ टैंजरीन्स के साथ, ट्राई करो। वाह, क्या बात है भाई, बहुत अच्छा बना है। पर इसे पीने के बाद ड्राइव मत करना, तुम यही लैला के साथ रहना, ड्राइव करना सेफ नहीं है। डोंट वरी, लैला नहीं पीती, वो ड्राइव कर सकती है, हम बुलेट से कार बोरो कर लेंगे। वो ड्रिंक क्यों नहीं कर रही? क्योंकि तुम चाचा बनने वाले हो। मैंने कहा ग्लास छोड़ो। क्या हो गया? मेरे शेर, कैसे हो इमरे? आई होप वो मेरे जैसा दिखे, यू नो, हैंडसम। आई होप ऐसा ही हो। अगली बार मैं तुम्हारे लिए एक स्ट्रॉन्ग ड्रिंक बनाऊंगा, क्योंकि अब तुम डैड जो बनने वाले हो। तो उन्होंने फिर से तुम्हें किडनैप किया इस बार? नहीं, उन्होंने मुझे किडनैप नहीं किया। तो भाई, तुमने उसे बोट में किडनैप किया? हाँ, क्योंकि मैं उसके साथ अकेले रहना चाहता था। उनका मेरे साथ अकेले रहने का कोई इरादा नहीं था, सब कुछ अचानक हो गया। मेरा वही इरादा था। उनका इरादा नहीं था।
वो बिखर गई है। मैं कभी सोच नहीं सकता कि मेरी वजह से वो इतनी टूट सकती है। वो कितनी स्ट्रांग है, मैं कभी नहीं सोच सकती कि मैं उनका दिल तोड़ चुकी हूँ। मुझे लगा वो मुझे भूल चुके हैं। हम कभी एक साथ नहीं हो पाएंगे, प्यार ने मुझे बस गम दिया। पर कम से कम हम एक दूसरे का चेहरा तो देख सकते हैं। उसे यकीन है कि वो नोटबुक मैंने नहीं जलाई थी, बाकी इस बात का कोई सबूत नहीं है। वो जब समंदर में थी तो सिर्फ मेरे बारे में सोच रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई पल नहीं था जब उन्होंने मुझे मिस नहीं किया। पर अब देर हो गई है। काश मैं फिर से शुरुआत कर पाता। काश हम ये डो बनाना कितना आसान है ना, मजा आ जाता है। यही जगह होगी, मुझे ऐसा ही याद। हाँ, देखते हैं उससे पूछते हैं। तो मैं छोड़ूंगी नहीं, देखते हैं कहाँ है। आप मेरा दरवाजा क्यों नॉक कर रही हैं? देखो तो जरा कितना शेमलेस इंसान है ये। तुम ऐसे सवाल कैसे कर सकते हो? तुम मेरे घर पर पुलिस को कैसे भेज सकते हो? तुमने हमारी क्रीम्स चुराई हाँ, और बेशर्मों की तरह जाकर इनोसेंट लोगों की कंप्लेन कर दी। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? जज डिसाइड करेंगे कौन सही है कौन गलत है, समझी ना आप? और वो शॉप में आकर सारे क्रीम्स लेकर गए थे, सब कुछ क्लियर है। अब मेरा फालतू में वक्त जाया मत कीजिए, मुझे बहुत सारे काम है। तुम सच में बेशर्म हो, तुम्हारा तो चेहरा भी छूटा है। अब जाइए यहाँ से, जाइए। मेरी बात सुनो, कहीं के तुम सनीम को छोड़ दो, वो उसकी क्रीम्स है, समझे तुम? मैं तो शांति रहूंगा, पर अब देखते कि कौन जीतता है। जाओ यहाँ से, अब मुझे परेशान करना बंद करो। रहने दो हनी, चलो हम चलते हैं। तुम्हें इस तरह के आदमी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो चलो, मुझे भी यकीन नहीं होता सच में। प्लीज चलो, बदतमीज आदमी है वो। सो सब कुछ सीरियस हो गया है ना? वो कितने बोल्ड आदमी है, मेरे दरवाजे पर आकर मुझे ही धमका गए थे। ये तो बहुत बड़ी बात है। अब चीजें और सीरियस हो जाएगी, ये सब कुछ छोड़ देंगे, तुम चिंता मत करो, ठीक है? हाँ, मैं फिर से क्रीम्स बनाना शुरू कर दूंगा, और फिर मुझे किसी से डील करने की कोई जरूरत नहीं है। बस मैं एक केस जीत जाऊं, फिर इन्हें जल्द ही इसकी कीमत चुकानी होगी। जवान, तुम इतने जल्दबाजी मत करो, तुम उन्हें डराते रहो, वो अपने आप कदम पीछे ले लेंगे, डोंट वरी। लेकिन मेरे दरवाजे पर आकर मुझे धमकाना, ये सारी चीजें मैं और नहीं झेल पाऊंगा, मुझे ये सब नहीं चाहिए। तुमने सच कहा, उन्हें सब कुछ सिखाना होगा, समझे तुम? वो तुम्हारी शिकायत लेके कोर्ट में गए थे ना, उन्हें कोई शर्म नहीं आती है क्या कंप्लेंट वापस लेने में? उन्हें सच में कोई शर्म नहीं है। अगर उन्होंने कंप्लेंट वापस नहीं ली तो प्रोडक्शन काफी नेगेटिव हो सकता है। हमारे पास सिर्फ एक रास्ता है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ डराना होगा। अगर तुम कह रहे हो तो मैं तुम्हें बता नहीं सकती, तुम्हारी आवाज सुन के कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, ऐसे फोन किया करो। मुझे नींद आ रही है, मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा खा चुका हूं। सब कुछ बहुत टेस्टी था, यू आर द बेस्ट, यू नो। अच्छे से खाइए ना, उम्मीद है हमें भी ऐसा ही प्लेजर मिले, हम भी खाना खाएं और बस सोते रहें, कोई काम करना ना पड़े, बस सोते रहें, आराम करें। ओ, ये कितना अच्छा होगा। सुनिए, आप सबके लिए मेरे पास एक खुशखबरी है, मुझे जॉब मिल गई। बहुत बढ़िया, वही ना जिसके बारे में आप बात कर रहे थे? पर तुम तो कंसल्टेंट थे ना? कंसल्टेंट? हाँ, कंसल्टेंट था, पर अब मैंने ऑटोमोटिव सेक्टर में काम करने का डिसीजन ले लिया है। लेकिन तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया इमरे? सब आखिरी में पता चलता है। मैं एक फ्रूट प्लेट बना चुकी हूँ सेलिब्रेशन के लिए, आप कुछ लेंगी? नहीं थैंक यू, पर अब मेरे पेट में जगह ही नहीं बची है। ऑरेंजेस? हाँ बेटा, ऑरेंजेस के लिए कभी मना नहीं कर सकता मैं। थैंक यू। ये देखो क्या है, और ये मैंने बनाए हैं छोटे छोटे से, देखो देखो देखो। बेबी, तुम्हें बेबी होने वाला है क्या?
और तुम लोगों ने मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा। नहीं नहीं मॉम, ऐसा नहीं है, हम बस बेबी प्लान कर रहे हैं। ये लीजिए, हम प्लान कर रहे हैं, फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, पर मेरी मॉम प्लान को लेकर काफी एक्साइटेड हो गई हैं, इसलिए उन्होंने ये सब किया। मैं भी खुश हूँ, लेकिन शायद फिलहाल मैं ग्रैंड मदर बनने के लिए रेडी नहीं हूँ। मतलब ये थोड़ा जल्दी नहीं हो रहा, शायद थोड़ी देर बाद भी ये सब कुछ किया जा सकता था। अभी क्यों नहीं मिसेस उमा, हम बूढ़े हो रहे हैं, हम कैसे इसके लिए रेडी नहीं। इसका उम्र के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो इसका लेना देना है, हमें पोते की जरूरत है, हम उस बेबी का ध्यान रखेंगे, उसके साथ खेलेंगे। वक्त बहुत जल्दी बीत जाता है, इससे पहले कि हम बूढ़े हो जाए हमें हमारे पोते के साथ खेलना है। ग्रैंड चाइल्ड, ग्रैंड मदर, मैं रेडी नहीं हूँ, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। अरे आप ये प्लम खाइए, ज्यादा सोचिए मत, खाइए ना, मजा आएगा, लीजिए खाइए। नहीं नहीं ग्रैंड मा नहीं, मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे ग्रैंड मा कहे। तो क्या कहे? अब पंछी धीरे धीरे वफादारी के दरिया से गुजर रहे हैं। इस दरिया से गुजरने के लिए वो काफी पैशनेट थे। इस बार उन्होंने आजादी से अपने पंख लहराए, क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं कि ये जगह स्पेशल है और सिर्फ उनके लिए बनी है। उस वफादारी के दरिया ने उन्हें पूरा बदल दिया है। अब जैसे वो एक शरीर दो आत्मा है, एक आत्मा दो शरीरों में। उन्हें पता था कि वो जहां भी जाएंगे कभी भी छिड़ नहीं पाएंगे, और दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो उन्हें अलग कर सकती है। वो एक दूसरे से एक अटूट धागे से जुड़े हैं, और अब वफादारी की इस एग्जाम में वो जीतकर हमेशा हमेशा एक दूसरे के साथ रहने वाले हैं, हमेशा हमेशा के लिए। और अब आने वाला ये सफर वो साथ में तय करने वाले हैं। बुट को रिप्लेस नहीं करेगी, पर आपको कंसोल जरूर करेगी। चल आराम से। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं बेंड करते वक्त कंट्रोल नहीं कर पाया, I'm sorry। हाँ। मैं भाग रहा था और पता हर जगह टकराते हुए पहुंचा। मैं पौधों को पानी दे रही हूँ। हाँ मैं समझ गया, शायद तुमने ज्यादा पानी दे दिया। और वो आपके पैरों के नीचे हैं। सब मुझे ऐसे क्यों कॉल करते हैं? कैमरा ऑन। हाँ बोलो मुझे। सनी मेरी बात सुनो, हम बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में है, हम बीच पर हैं, मिसेस मेहरबान से बात कर रहे हैं। वो इन्वेस्टिगेटर की तरह सवाल पूछ रही, तुम आ जाओ। फोन रखो और यहाँ पर आओ, जल्दी इधर आओ, ये जरूर किसी प्रॉब्लम में है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं आ सकता हूँ। ऑलराइट। कहाँ? यहाँ। क्या कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है कि यहाँ क्या हो रहा है? वो ऐसा है, मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि तुम जैसे चाहो वैसे इस लैंड का यूज कर सकती हो? क्या मैंने कहा नहीं कि इस जगह का अच्छे से ध्यान रखो तुम? हाँ आपने कहा था, और हमने आपके ऑर्डर को फॉलो भी किया, हमने काफी चीजें प्लान करने की कोशिश भी की, और सारे क्रॉप्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट भी किया। तुम ऐसे ध्यान रखती हो, वो हट भी जल गया, तुम्हें ये बात तो पता है ना? हाँ बिल्कुल, मेरा एक प्लेन ट्री जो एक सेंचुरी से भी पुराना था, ऑलिव का पेड़ भी जल गया है। हाँ सही कह रही है। मैं सोच रही थी अगर हमने उस दिन वो आग नहीं रोकी होती तो क्या होता,
पूरा का पूरा जंगल जल जाता, क्या तुम्हें इस बात का पता है? क्या तुम इस तरह से किसी लैंड का ख्याल रखते हो? ये सारी मेरी गलती है, आप मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसा नहीं होगा प्लीज। और हाल ही में जो इवेंट हुआ है बुलुत, पुलिस ने रेड डाली, वो क्या? वो दरअसल मैं यहाँ पर 20 सालों से रह रही हूँ, ऐसा पहली बार हुआ है कि मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। क्या तुम इस तरह से देखभाल करोगे? क्या यही स्टाइल है तुम्हारा, बताओ मुझे। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि जो चीज हमारे हाथ में नहीं थी उसे तुम लोग चौकन्ने रह सकते हो, कम से कम मुझे आकर इन्फॉर्म तो करते। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं उनसे पहले ही बात कर लेती, पहले बात कर लेती तो शायद सब ठीक हो जाता, तो वो तुम्हें जबरदस्ती उठाकर नहीं ले जाते। बराबर है, जो हुआ बहुत ही गलत हुआ, हमें माफ कर दीजिए, पर हमने भी काफी कुछ सहा है, जेल में गए हम इसके लिए और काफी खराब एक्सपीरियंस रहा। मिसेज मेहरबान, हम क्या कर सकते थे, जितना आपको बुरा लग रहा है ना हमें उससे ज्यादा बुरा लग रहा है, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, तहे दिल से माफी चाहते हैं। वो मिसेस मेहरबान, आप यहाँ की लैंडलॉर्ड हैं हम जानते हैं, लेकिन आपको भी पता है कि एक किरायेदार होना कैसा रहता है, कितनी सारी लीगल प्रोसीजर्स करनी पड़ती है, रेंट देना, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, क्या ये सच नहीं? नहीं, हम यहाँ लीगल टेनेंट्स नहीं है, हम यहाँ कोई रेंट नहीं देते, हम यहाँ फ्री में रहते हैं, लेकिन हम यहाँ क्रॉपिंग करते हैं और फिर उसके बाद हम उसे बेचते हैं और उसके बाद हम उसे शेयर करते हैं, बस हम ऐसे ही जीते हैं लेकिन रेंट नहीं देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम लोग इतनी बड़ी जमीन के लिए कुछ भी नहीं देते? फिर मिसेस मेहरबान, इन्हें भेज दीजिए, चुप करो। और उसके अलावा ये लोकेशन किसी एजेंसी के लिए ठीक नहीं है, एक एजेंसी जो खेत के बीचों बीच है, ये पॉसिबल ही नहीं है। बकवास बंद करो, यहाँ से किसी को बेचने का कोई इरादा नहीं है, मैं बस इतना कह सकती हूँ कि यहाँ पर ध्यान दो तुम। बुलुत, देनिस, क्या ये बात मैं हमेशा दोहराती नहीं हूँ? ये जमीन बहुत बड़ी है और मैं अकेले कुछ नहीं संभाल सकती हूँ, मुझे तुम लोगों पर भरोसा है। सही कह रही हैं। चलो अब कसम खाते हैं कि हम हमेशा साथ में रहेंगे, इधर आओ। चलो, तुम्हारा हाथ कहाँ है? शुरुआत तो अलग थी पर एंडिंग अच्छी हो रही है। यहाँ क्या हो रहा है? सब कुछ ठीक है। अजीज, जे जे, हाँ, क्या कर रहे हो तुम? आओ आओ आओ, ईमानदारी की शपथ ले रहे हैं। अब मैं बोलती हूँ, तुम लोग रिपीट करो मेरे पीछे, ठीक है? मैं नेचर, दोस्ती, प्यार और एक दूसरे से वफादारी रखूंगी, मैं इस बात की प्रॉमिस करती हूँ। आप प्रॉमिस, वन फॉर ऑल फॉर वन, हम सब हमेशा साथ साथ रहेंगे, जिंदाबाद। अरे मैंने कुछ ज्यादा ही हाथ ऊपर कर दिया। ठीक है, दोस्ती, प्यार और वफादारी अच्छा है, पर अब हमें बहुत सारे काम करने हैं। चलो जीजे, भागो, चलो। ये हमेशा ऐसे ऑर्डर क्यों देती है? अब तुम ठीक हो? क्या हो गया मेरे भाई, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? एक्चुअली वो बात नहीं कर पा रहा है। जीजे अब तो कुछ बोलो। हाँ, अगर आप रेडी हो तो हम शुरू करते हैं, मार्केटिंग एंड सेल्स। मैं अज्यूम करता हूँ कि आपको प्रिंसिपल्स पता हैं। ओ, मिस्टर एमरे, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या मैं आपको लेक्चर देने वाला हूँ? हेलो, क्या हम पहले मिल चुके हैं? ओह, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत एक्साइटेड हो गया था इसलिए मैं खुद को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाया। मैं हूँ अहमद गुल। मार्केटिंग और सेल्स के सेक्टर में हर कोई आपको अच्छी तरह जानता है, मैं भी आपके कई सेमिनार्स अटेंड कर चुका हूँ, आपको देखकर ताज्जुब हो रहा है। थैंक यू सो मच, प्लीज बैठ जाइए। मैं अपनी ब्रांच चेंज करने का सोच रहा हूँ, पर देखिए प्लीज, आप लोग सब अपने शेड्यूल के हिसाब से चलिए, मेरे लिए काफी रिफ्रेशिंग सेमिनार साबित होगा ये। आई एम एक्साइटेड। ठीक है, ऐसा कुछ ढूंढते हैं जो आपको पढ़ा पाऊं। तो हम कहां से शुरू करें? बोलो जेजे, बोलो, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? खुद को एक्सप्रेस करो, मुंह से आवाज निकालो, वरना मैं तुम्हें समंदर में फेंक दूंगा, मछलियां खा जाएगी, फिर बोलना नहीं मुझे। मुझो, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? ऐसा मत करो मुझो, रुक जाओ। तुम बीच में मत पड़ो। मैंने पकड़ लिया। हाँ, तुमने पकड़ लिया। अगर मैंने नहीं पकड़ा होता तो तुम आज समुंदर में गिर जाती। मछलियां तुम्हें नोट के खा जाती। मैंने तुम्हें पकड़ा और बचा लिया। हाँ, तुम बहुत जेंटल हो, थैंक यू सो मच। हाँ, वो तो मैं हूँ। अब इसे देखो जे जे।
ओ मुझे लगता है उसे थेरेपी की जरूरत है, यही सही होगा। सही कहा, हाँ थेरेपी करनी होगी, थेरेपी से उसे पक्का मदद मिलेगी। मैं उसे ऐसी हालत में नहीं रख सकता, मुझे उसे ठीक करना ही होगा। जे 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 इधर आओ, आओ इधर आओ भाई, इधर आओ। कम ऑन जे जे, यू कैन डू इट, आ जाओ। कम ऑन, मैं सिचुएशन एक्सप्लेन करती हूँ क्योंकि तुम काफी स्ट्रेसफुल वे में बात करते हो। सही में? हाँ, हमारे कस्टमर क्रीम्स की सैंपल अब्रॉड भेजना चाहता था। अब जब हम पुलिस स्टेशन में थे, ये काम कोई नहीं कर पाया। अब हमें उसका सलूशन निकालना होगा, सबसे पहले यही प्रायोरिटी पर है। मेरे पास जो कुछ भी था मैंने उन्हें दे दिया है। मिस्टर मूरत ने कल मुझे ऑर्डर भेजा था, वो आज मुझे इन्फॉर्म करने वाला है कि वो आज हमें भेजना है कि नहीं भेजना है, बस इसी बात। तो आज हम सब लोग सिनेम की हेल्प करेंगे। मिस्टर मुसफर तो जीजे की हेल्प कर रहे हैं, तो आज वो यहाँ नहीं होंगे। हम सनम से स्टार्ट करते हैं। हाँ गाइस, हाँ। मैं श्योर हूँ हम ये कर लेंगे 100%, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ तो फिर ठीक है, पहले हम ऑयल देखते हैं। अरे मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? क्या जमाल अचीगोस यहाँ है? हाँ वो अंदर। ठीक है, अच्छे से पैक करना। ओके मिस्टर जमाल। हाँ हाँ मैं ही हूँ, बोलो। यहाँ साइन कीजिए। थैंक यू। पर ये इस तरह से काम नहीं करता। हम सैंपल्स तो अब्रॉड भेज रहे हैं और हमारे पास ब्रांड नेम भी नहीं है। ये बस एक सैंपल है, हमें इसकी जरूरत नहीं है। मुझे भेजना होगा ये, चलता हूँ मैं। सनेम, हमें एक नया ब्रांड बनाना होगा, एक टाइटल बनाओ जिस पर हम तुरंत लोगो बना सके। हाँ बिल्कुल, हम खुद को एडवर्टाइजर्स कहते हैं। हमारी एक एजेंसी है और हम इस प्रोडक्ट के लिए एक ब्रांड नेम नहीं ढूंढ पा रहे। डार्लिंग, आप लोग अभी तक थके नहीं, तरबूज खाने का वक्त है। ओह हनी, तरबूज, क्या बात है। आपके गार्डन से? हाँ चलो चलो जल्दी आ जाओ। वाह वाह क्या बात है, मैं अपनी तारीफ का वेट कर रही हूँ। है ना, मैं टेस्ट करूंगी। अरे
आप क्या कर रहे हैं, ये तो पहले से भी बहुत टेस्टी है। हाँ, मैं हमेशा शहर में तरबूज खरीदती थी पर ये ऐसे नहीं होते थे ऑर्गेनिक। हाँ? बहुत बढ़िया हो। क्या हो रहा है, ये सब क्या है? हमने सुना है कि तुम जमाल को डिस्टर्ब कर रहे हो, वो काफी परेशान है। और तुम लोगों को उनके खिलाफ की गई शिकायत वापस लेनी होगी, समझ गए ना? तुम लोग जानते नहीं हो हम कौन हैं, हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। मुझे वीडियो मिल गई, तुम लोग धमकाने आए हो, मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी, समझे तुम? अरे मेरा फोन छोड़ो, क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? कौन हो तुम लोग? बताओ मिस्टर जमाल को, हम उनसे नहीं डरते। मेरे तरफ देखो। अरे calm down, come on, रोको इसे, पीछे जाओ। शांत, क्या कोई प्रॉब्लम है? जनरल को मैसेज देने आए थे। अच्छा, मैं भी उन्हें मेरे लॉयर के थ्रू मैसेज भेज चुका हूँ, उन्हें दिखाई नहीं दिया होगा। तुम भी चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। तुम क्या कर लोगे, मारोगे हमें? नहीं, पर अगर तुमने अटैक किया तो तुम्हारे दोस्त की उंगलियाँ मेरे हाथ में है। क्या आप उन्हें मारोगे? नहीं, क्या तुम चाहती हो? मारो 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 इन्हें, इनका मुंह तोड़ दो। सनम, अब मैं पहले जितना अग्रेसिव नहीं रहा, तुम भी जानती हो ये बात। वैसे नहीं, बहुत ज्यादा अग्रेसिव भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, मुझे नहीं पता, नॉर्मल हो जाओ, मैं नहीं जानती कुछ। हाँ। आप डिसाइड कीजिए। ओके। काश मैं इन्वॉल्व हो जाती। जान जान बेटा, ठीक है। क्या कोई मर गया? नहीं। डैरेन, वहाँ एक बैकपैक है, उसमें डॉक्यूमेंट्स है, प्लीज मुझे पास करो। हाँ, जल्दी। या पढ़ना आता तुझे? क्या लिखा है यहाँ? एक डॉक्यूमेंट जिसमें लिखा है कि मिस सनम स्क्रीन की ओनर है। ऑलराइट। अगर तेरे बॉस को पढ़ना नहीं आता तो उसे बोला कर मेरी हेल्प ले। चलो भागो। अपने दोस्त को यही भूल गया तू? चलो ना, बेवकूफ गवार लोग, और कुछ नहीं। दोबारा यहाँ मत आना वरना बर्बाद हो जाओगे। वो आदमी चले गए हैं। जान, ऊपर वाला तुम्हारा भला करे। ओ, इस फाइट को छोड़ो, पर तुम्हें ये डॉक्यूमेंट्स कैसे मिले मुझे जानना है बेटा। बताओ ना, बताओ कैसे मिले तुम्हें? कल मेरी मैटिन से बात हुई, पेटेंट डॉक्यूमेंट इतनी जल्दी नहीं बन सकता, पर उसने मुझे ऐसा डॉक्यूमेंट दिया जिसमें नोटरी की हुई है। मैं नहीं चाहता कि पहले जैसी डिफिकल्टीज अब हम फेस करें। ओ, मेरा प्यारा बेटा। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। आप इसे देख रहे हैं? मैं जाकर वर्कआउट करता हूँ, मुझे जरूरत है। I'll see you. ये फाइट करते वक्त वार्म अप नहीं हुआ क्या? अब हम इन पेबल्स को हमारे मुंह में रख कर इसे फेंकेंगे, इससे हमारे मुंह के मसल्स और भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, अच्छे से काम करते हैं। तो इसे ऐसे ऐसे मुंह में रखो और आराम से फेंकना है। देखो इस तरह। ओ, ये अच्छे से नहीं हुआ, कोई बात नहीं, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। ठीक है चेचे, आराम से करना। अब तुम्हें गिव अप नहीं करना, ठीक है? डिटरमाइंड होकर आराम से ऐसे। अरे यार ये ना। अरे नहीं, वापस करो। तुम करते रहो और गिव अप मत करना, मैं अभी आती हूँ। हाँ, करते रहो। क्या तुम शोर हो कि इस तरह की कोई थेरेपी है? क्या ये साइंटिफिक है? पता नहीं क्यों पर ये इसके लिए काम नहीं कर रही है, या फिर ये खुद से कुछ करना नहीं चाह रहा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? सारा मूड ऑफ कर दिया। आई एम सॉरी, लेकिन ये बहुत फेमस एक्सरसाइज है, ये इटालियन थेरेपिस्ट ने इन्वेंट की है। ये तुम्हारे माउथ मसल को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करती है, ये काफी इफेक्टिव थेरेपी है फ्लुएंट बात करने के लिए, क्या समझे तुम? सही है, लेकिन इसका प्रॉब्लम माउथ मसल नहीं है, इसकी प्रॉब्लम है इसका ब्रेन, उसके ब्रेन को स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत है। क्या ये थेरेपी उसके लिए है? ये बात नहीं कर सकता, वो ठीक से चीजों को बोल भी नहीं पा रहा है, बस ये कर रहा है। हम कोशिश तो कर रहे हैं ना, वो जल्दी बोले। चलो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। मुझे मेरी मदद कर रहा है क्योंकि जीजी बात नहीं कर पा रहा है, और हम कब से ट्राई कर रहे हैं, जीजी पर कुछ भी काम नहीं कर रहा, इसलिए हम ये थेरेपी करवा रहे हैं उससे। उसके माउथ के मसल्स को स्ट्रॉन्ग होना होगा ताकि वो फिर से अच्छे से बात कर सके। ब्रीदिंग थेरेपी जैसा, पर जब ये डर जाता है तो ये सांस भी नहीं ले पाता, इसके लिए ये बहुत ही नॉर्मल बात है। क्या कहा? सांस नहीं ले रहा? एक सेकंड, सांस ले रहा ना? ले रहा? नहीं। ले रहो ना सांस? ले रहो। अच्छा ठीक है, ले रहो। तुम लोगों को समझ में क्यों नहीं आता, जेजे का सिस्टम अलग है, जब वो टूट जाता है तो उसे और तोड़ना पड़ता है,
उसे एक बहुत बड़ी ट्रॉमा की जरूरत पड़ती है। मैं इस इशू को और अच्छे से जानती हूँ। अच्छा तुम लोग ऐसा करो, थोड़ा सा पीछे हटो। हाँ हाँ थोड़ा पीछे। जे जे मैं बस तुम्हें अब काम स्टार्ट करने के लिए 3 सेकंड्स दे रही हूँ, वरना मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। जे जे 3, जे जे 2, जे जे 1। मिस डेरन प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए, मैं भीख मांगता हूँ। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा सब कुछ करूंगा, पर प्लीज मुझे कहीं और मत भेजिए फिक्री हरिका से दूर। ओ, मैं बात करने लगा, मैं फिर से बात कर रहा हूँ। थैंक यू मिस डेरन, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। जे जे भागो। ओके। दादी माँ का स्टाइल, तुम पहले इसे ऑफ करो फिर इसे ऑन करो, ये ऐसे ही रिकवर होता है। क्या बात है, नामुमकिन को मुमकिन कर दिया आपने। किसी चाबी वाले खिलौने की तरह आपने उसको चाबी भर के दौड़ा दिया। एकदम ऐसे ही भागा। अब मुझे सब अच्छे से समझ में आ रहा है, ट्रॉमा वर्सेस ट्रॉमा। अजीज, अजीज ये क्या हो रहा है, क्या तुम्हें पता है क्या हुआ? अजीज मुझे यकीन नहीं होता, देखो उन्होंने हमारी एक फोटो मैगजीन में डाली है, देखो। और वो क्या कह रहे हैं कि मेहरबान जिसने फेमस फॉर्मर एडवर्टाइजर अजीज देवित की शादी को बर्बाद किया था और जो अभी भी उसके लवर हैं, कल उसे इलीगल क्रीम प्रोडक्शन के जुर्म में पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। ओ नहीं, ओ नहीं, ये क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। हनी इसे इसे इतना सीरियसली मत लो। जिन लोगों को इन सब गॉसिप्स में इंटरेस्ट है उन लोगों से हम काफी दूर रह रहे हैं, अब शांत हो जाओ, हमें कुछ नहीं होगा। अजीज हाँ? मुझे वो तरबूज और प्रिंटर दो। हाँ तरबूज और प्रिंटर। हाँ प्लीज प्लीज मुझसे सवाल मत करो। ओके, प्लीज ओके, जल्दी लेकर आओ प्लीज। ओके ओके नो क्वेश्चंस। ओके ठीक है, तरबूज और प्रिंटर, तरबूज और प्रिंटर, तरबूज और प्रिंटर।